हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी फूडी विद मंजू। तो आज हम बनाएंगे लौकी का चटपटा रायता। तो लौकी का रायता बनाने के लिए हमने ये लौकी ली है, इसको हम दोनों साइड से काट लेंगे और लौकी को छील लेंगे। तो लौकी को हमने छील लिया है, लौकी को हम मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप हमारी लौकी के रायते की वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको हमारी लौकी के रायते की रेसिपी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन कॉल करना मत भूलना। और हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारी लौकी के रायते की रेसिपी कैसी लगी। और एक बार आप भी इस तरीके से लौकी के रायते को जरूर बनाकर देखें, ये बहुत टेस्टी बनता है। तो हमने लौकी को काट लिया था, इसको अच्छे से दो तीन बार पानी में साफ भी कर लिया। तो हम लौकी को कुकर में डाल के दो से तीन सीटी लगा लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें गिलास पानी और कम से कम दो तीन सीटी लगाएंगे। जब तक हमारी लौकी उबल रही है तब तक हम रायते की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने एक कटोरा दही लिया, इसको हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। और हमने ये एक जग लस्सी ली है दही को पतला करने के लिए। अगर लस्सी ना हो तो आप पानी मिला सकते हो दही में। तो हम दही को अच्छे से फेंट लेंगे। तो हम लस्सी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आप चाहें तो दही का भी बना सकते हो, लेकिन मैं दही और लस्सी दोनों का मिक्स करके बना रही हूँ। अब हम डालेंगे इसमें एक हरी मिर्च बारीक टुकड़े में काट कर। अब डालेंगे एक चम्मच नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच भुना हुआ जीरा, एक चम्मच काली मिर्च, थोड़ा सा सूखा हुआ पुदीना, पुदीने से रायते का टेस्ट और भी अच्छा लगेगा, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच काला नमक और आधा चम्मच हींग। अब अपने मसाले को दही में अच्छे से मिला लेंगे। तो इधर हमारी लौकी भी उबल चुकी है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो हमारी लौकी अच्छे से उबल चुकी है। अब हम इसको एक चलनी में निकाल लेंगे और इसका सारा पानी अलग कर लेंगे। तो देखिए, हमने लौकी से सारा पानी अलग कर लिया है। अब इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इसको सिलबट्टे पर पीस सकते हो। तो देखिए, हमने लौकी का एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया। हमें ज़्यादा बारीक भी नहीं बनाना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, मीडियम ही रखना है हमें लौकी का पेस्ट को। तो हम लौकी को जो हमने नमक मिर्च की दही बनाई थी उसमें अपनी लौकी को डाल लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारा रायता बनकर तैयार है। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो तड़के के लिए हमने सरसों का तेल गरम कर लिया था, इसमें डालेंगे एक चम्मच हींग और एक चम्मच लाल मिर्च। अब तड़के को रायते में डाल लेंगे और ढककर रख देंगे। तो देखिए, हमारे रायते में तड़का भी अच्छे से लग चुका है। तो हमारा रायता बनकर तैयार है। एक बार आप भी इस तरीके से लौकी का रायता ज़रूर बनाएं और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है।